रेलवे स्टेशन पर ईद मिलादुन्नबी की तकरीब जारी है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर वलीद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस अजीम-ओ-शान तकरीब के इनेकाद पर मैं दीवान साहब को, रबानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम यहाँ पर मौजूद जो दोस्त हैं उनको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी की मुबारक हो। हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाह इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल अपने बचपन की एक याद रखते हैं कि वो अपने वालिद मोहतरम जनाब अल्लामा इकबाल के साथ बैठे थे और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का कलाम पढ़ने को उन्होंने कहा उनके वालिद ने, और जब साथ बैठे हुए एक और दानिश्वर मीम शीन साहब ने उस मिसरे के ऊपर दोहराया जो मेरे वालिद ने पढ़ा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, तो अल्लामा इकबाल एकदम से आप दीदा हो गए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की इस नज़म के वो अशार कुछ यूँ है कि वो नबियों, और आज के लिए भी वो पैगाम हमारे लिए है कि वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया।